राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव यानी कि ईओ ह्यूम जो है जनरल सेक्रेटरी थे। वहीं पे कलकत्ता के पहले जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। आई होप कि अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ईओ ह्यूम जहाँ पे संस्थापक या महासचिव पूछा जाए तो वह ईओ ह्यूम है, और जहाँ पे पहले अध्यक्ष पूछे जाए वहां पे व्योमेश चंद्र बनर्जी आएंगे। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरियल चल रहा है, और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नंबर 3 है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए 100+ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले जो हमारा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है उसमें हमने 50+ क्वेश्चन कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और यह सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखकर जरूर जाइएगा, और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उससे पहले आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। तो आइए, कल का क्या होमवर्क दिया था मैंने आपका, उस होमवर्क का आंसर देख लेते हैं। तो कल का जो प्रश्न था यानी कि कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आज सही उत्तर जानने का समय आ गया है। तो कल का पहला प्रश्न था, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। तो वही कल का दूसरा प्रश्न था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कांग्रेस में जब अध्यक्षता या फिर किसी मेंबर का नाम पूछा जाता है तो वहां पे दो नाम आता है, एओ ह्यूम और व्योमेश चंद बनर्जी। तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे एओ ह्यूम लगेगा और कहाँ पे व्योमेश चंद बनर्जी लगेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि जो व्योमेश चंद बनर्जी है ये तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था, ठीक है, उसकी मतलब वो पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया था, उसके बाद जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और वहीं पे ईओ ह्यूम क्या थे, इसकी स्थापना करवाते समय ईओ ह्यूम का अहम रोल है। तो हम नोट में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव यानी कि ईओ ह्यूम जो है जनरल सेक्रेटरी थे। वहीं पे कलकत्ता के पहले जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। आई होप कि अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ईओ ह्यूम जहाँ पे संस्थापक या महासचिव पूछा जाए तो वह ईओ ह्यूम है, और जहाँ पे पहले अध्यक्ष पूछे जाए वहां पे व्योमेश चंद्र बनर्जी आएंगे। ओके, तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इलवुड बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन को। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होता है आनंद मोहन बसु। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी? तो इसका सही उत्तर होता है बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। एल्बर्ट बिल और वॉइस राय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन किया था? तो भारतीयों ने आंदोलन किया था। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? इसका संबंध है एनी बेसेंट से। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर होता है एल्बर्ट विधेयक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर फटाफट बताएं, क्योंकि यह कल का आपका होमवर्क था। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो इसका सही उत्तर होता है लाला लाजपत राय। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एओ ह्यूम ने कहा था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण कारण था ह्यूम और डफरिन के प्रयास। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता किसने कहा था? मतलब जो बाल गंगाधर तिलक है, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होता है वैलेंटाइन चिरोल ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होता है उदारवादियों के हाथों में प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व हुआ था। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर सही होता है दादा भाई नरोजी। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो इसका सही उत्तर होता है आधुनिक उद्योगों को का तेजी से विकास करना। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? अरविंद घोष हैं। वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार ही, यह वक्तत्व किसके किससे संबंधित है? उदारवादी से संबंधित है। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल ना हो जाने के कारण देशभक्ति आशंकित होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? तो इसका सही उत्तर होता है उदारवादी। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली मुख्य घटना क्या थी? 1905 में रूस पर जापान की विजय। कांग्रेस मंच से स्वराज्य शब्द का उद्घोष कब हुआ? यह 1906 में हुआ। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? इसका सही टाइम होता है 1907 में कांग्रेस दल विभाजित हुए थे नरम दल और गरम दल में। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? तो बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा समाचार पत्र थे। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसने कहा था? अरविंद घोष ने यह कथन कहा था। भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी। होम रूल आंदोलन के प्रचारक के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो उनका समाचार पत्र था न्यू इंडिया तथा कॉमन वील। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह किसका कथन था? यह कथन एनी बेसेंट ने दिया था। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना इसका सबसे बड़ा कमजोरी थी। हंटर समिति नियुक्त कब की गई? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करते समय हंटर समिति की नियुक्ति इसको बनाया गया। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? तो यह बिहार से संबंधित थे। दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इनसे राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज्य पार्टी के नेता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। हम शेर को उनकी मान में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? यह चितरंजन दास ने कहा था।
मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन महात्मा गांधी जी ने बोला था। अहिंसा स्वराज्य से भी पहले है, यह कथन किसने बोला था? तो चित्तरंजन दास ने बोला था कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से भी पहले है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन किया गया था। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? यह स्वामी विवेकानंद के अनुनयों पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? इसका सही उत्तर होता है ईश्वर चंद्र विद्या सागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार पटेल जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो उन्होंने अपना जो सत्याग्रह था वह चंपारण से आरंभ किया। तो आप मुझे बताएंगे कि चंपारण किस राज्य में है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? इसका सही उत्तर होता है उत्तरी अमेरिका। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? कृष्ण मेनन ने। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की गई थी। औरंगजेब जो कि मुगल शासक था और बहुत ही क्रूर था। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का जो योगदान है लॉर्ड कर्जन का है। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? बंग विच्छेदन का अंत। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? या वर्धा में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? तो आपने सुना होगा पूना पैक्ट, यानी कि पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो ये उस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय इनको गिरफ्तार करके पूना के जेल में बंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण था विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सोचनीय स्थिति। 1922 की चौरी चौरा घटना में कौन मारे गए थे? फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, उसमें जिंदा पुलिस मारे गए थे। तो वहां पे पुलिस इसका सही आंसर होगा। दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो नमक कानून तोड़ना दांडी यात्रा का मुख्य पर्पस था। कामा गाटा मारू क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार ये कामा गाटा मारू, यह एक जहाज का नाम है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। किस आंदोलन को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड खराब हो चुकी थी, काफी पुरानी हो चुकी थी,
तो उसको दोबारा से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका सही उत्तर होता ऑकलैंड ने करवाई थी, यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारत ने ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला क्या? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन यह इसकी विशेषता नहीं थी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होता है खुदीराम बोस को 14 साल की उम्र में ही फांसी की सजा दी गई थी। किस तरीके से शुरुआती राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को सफलतापूर्वक कमजोर किया था? तो इसका सही उत्तर होता है संवैधानिक सुधारों के लिए अपना आंदोलन शुरू करना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होता है गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि इसका पार्ट नंबर वन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट नंबर वन में क्वेश्चन नंबर सेवन की बात की जाए तो उसमें मैंने ऑप्शन गलत बता दिया था, बाय मिस्टेक उसको ऑप्शन सी मैंने बताया था, जबकि उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो चितरंजन दास थे वह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं, वहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और पार्ट टू भी जरूर देखें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसी के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके किस अधिवेशन यानी कि कौन से साल में राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो इसका सही उत्तर होता है 1911 को। आप मुझे कमेंट करेंगे कि यह 1911 किस अधिवेशन में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्य सेन इनमें से किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होता है चटगांव शस्त्रागार छापा। शेरे पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? शेरे पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। पृष्ठभूमि से संबंधित वे कौन सी बातें थी जिसमें जिन्ना की बातें सही थी? इसके ऑप्शन होते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1929 की बैठक में दिया गया था, यह ऑप्शन सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी यह नेहरू की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में था जिसे उन्होंने मृत्यु का वारंट माना था। ऑप्शन नंबर सी शुरुआत में कुछ सुधार आगा खां और करीम जलाल ने बताए थे, बाद में जिन्ना ने उन्हें एकत्र किया और हिंदुओं की प्रतिक्रिया पर 14 सूत्री मसौदा तैयार किया। तो इन तीनों में से कौन सा सही आंसर होता है फटाफट बताएं। ऑप्शन नंबर ए अगर पहला देखा जाए तो जिसमें ए और बी बोला गया है, दूसरे में ए और सी, तीसरे में बी और सी और चौथे में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होता है ए और बी यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बैठक में दिया गया था, नेहरू की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में था जिसे उन्होंने मृत्यु का वारंट माना था। तो इसका सही उत्तर होता है सिर्फ ए और बी। संविधान सभा की बैठकों और अंतरिम सरकार के प्रति लीग के रवैया का नतीजा क्या था? तो लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी जंग में कांग्रेस के साथ समझौता किया। विश्व विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा दी या किस विरोध के कारण लौटाया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी टाइम चौरी चौरा घटना हुई थी।
गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह विचार जिनके द्वारा व्यक्त किया गया है वह है जवाहरलाल नेहरू। सांप्रदायिक पंचाट के कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। इसका कारण था हरिजनों को हिंदुत्व से अलग करने की कोशिश करना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा कब दी गई? तो मार्च 1931 को इन तीनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। ट्रिप्स के सुझावों को दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख में भुलाया जाने वाला चेक कहा गया। यह मत किसका था? तो यह मत महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के तहत चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। महात्मा गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा गया? तो अभी अभी हमने देखा कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। आज का आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, महात्मा गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? इसका आंसर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको उससे पहले पता है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रश्न नंबर दूसरा, गीता रहस्य के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।